कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कल से हमने पूरे दिल्ली के अंदर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को सड़क पे उतारा है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिल्ली के अंदर चारों तरफ जो है वो पानी का छिड़काव करेंगे। पहले दिन भर में 8 घंटे का एक शिफ्ट में छिड़काव हो रहा था, अब ये 3 शिफ्टों में इनका छिड़काव चलेगा, 8-8 घंटे की इनकी शिफ्ट होगी, जिसमें 1-1 घंटे का ये ब्रेक करेंगे और ड्राइवर चेंज करेंगे, जिससे कि नियमित तौर पर और बड़े पैमाने पर वाटर स्प्रिंकलिंग के द्वारा जो डस्ट प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, दिल्ली के अंदर जैसा आप देख रहे हो कि जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, उसके लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को हम लोगों ने तेज किया है और जगह जगह ऑटो पे हमने स्टिकर कैंपेन को बढ़ाया है, तो हर जगह लोगों को अब सामने दिख रहा है, जिससे कि लोगों के मेमोरी में वो बार बार आए कि भाई हमें रेड लाइट पे गाड़ी को बंद करना है। तीसरा, जो अब ठंड बढ़ेगी तो उसमें जगह जगह लोग जो आग जलाते हैं उसके लिए भी जितने RWAs हैं, जितने सरकारी संस्थान हैं, उन लोगों को, प्राइवेट संस्थान हैं, उन लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि वो लोग जो नाइट ड्यूटी पे गार्ड हैं या जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनको जो है हीटर प्रोवाइड करें, जिससे कि लोगों को आग जलाने की जरूरत ना पड़े। तो सरकार तीनों चीजों को फोकस करके और अपने अभियान को जो है तेजी से चला रही है। सर, कल आपने करीबन 200 एंटी स्मॉग गन्स को जमीन पर उतारा, तो अब हमारे पास कितनी स्मॉग गन्स हैं जो डिप्लॉय की गई हैं ओवरऑल, जो पहले भी थी और जो अब 200 मिला? देखो, कई तरह के एंटी स्मॉग गन हैं, जैसे जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पे एंटी स्मॉग गन हैं जो वहां पे लगाई गई हैं, उसी तरह से NDMC एरिया में लगाई गई हैं, जो MCD की तरफ से एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं, छतों पे कई जगह पे जो है एंटी स्मॉग गन लगाया गया है, कंटोनमेंट बोर्ड ने भी एंटी स्मॉग गन लगाया है अलग अलग एरियाज में फोकस करके। ये कल जो हमने लॉन्च किया ये पूरे दिल्ली के लिए लॉन्च किया है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो है वो चाहे सेंट्रल हो चाहे आउटर हो, सब जगह पे ये वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए स्पेशल ड्राइव कल से शुरू हुई है। आखिरी सवाल सर, बीजेपी का कहना है कि पटाखे जले हैं पर प्रदूषण कम क्योंकि हवा तेज थी इसलिए है, तो ऐसा आम आदमी का कहना, आम आदमी पार्टी का कहना कि पटाखे नहीं जले हैं ये गलत है? तो मतलब उन्होंने पटाखे जलवाए ये कहना चाह रहे हैं बैन के बाद? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया भाई। दिल्ली के लोगों ने, मैं तो कल से बहुत लोगों से मैंने पूछा है कि क्या उन्होंने पटाखे जलाए, हमें तो बहुत सारे लोग मिले व्यक्तिगत रूप से भी कि जिन्होंने पटाखे नहीं जलाए, और लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और ये पॉजिटिव जागरूकता है। अगर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पटाखे जलाए गए तो इसका मतलब कि ये तो नियम कानून का उल्लंघन वो करवा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा नहीं सुना है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे इतना पता है कि दिल्ली के लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि ये लोगों को महसूस हो रहा है कि जो हम पटाखे जलाते हैं, सबसे पहले अपने घर के सामने जलाते हैं, उसका सबसे पहले धुआं कौन लेता है? बच्चे, बूढ़े, अपने परिवार के, दूसरों के पास तो बाद में जाता है ना। तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और सकारात्मक तरीके से चीजों को सोचना चाहिए। हर चीज को एक छोटी नजरिए से देखना वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि, और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे लोगों की सोच जो है वो बदल रही है, और मुझे लगता है कि आगे और इसमें सुधार होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.